हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही है सुबह की 10 और मैं आज काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा हाथ है वो कम दर्द हो रहा है, सिर्फ जहाँ पर वैक्सीन लगी है वो उतना ही पार्ट दर्द हो रहा है। अब मैं ठीक हूँ इसलिए मैं अच्छे से ब्लॉग कर पाऊँगी। और ना लिया सब हो गया, पर स्किन रूटीन करना बाकी है। और बिना दीदी ने कल भेजी है मूँगफलियाँ, तो वो कार में ही रह गई है क्योंकि मम्मी कल उदयपुर गए थे, इसलिए तो वो कार में ही है, तो वो मैं निकाल के ले आती हूँ, नहीं तो गंदी हो जाएगी। यहाँ पर ह्यू हमारे ना रही है पर मैं दिखा नहीं सकती हूँ। जल्दी नहीं करो बेटा, फिर बाल भी बनाने, बाल धोने, धुला दूँ? ओके मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं दिखा लियो आपको, मैं मेरे खुद को ही दिखा लियो। ओके चलो मैं आती हूँ, वापस आपको नहला देती हूँ, ठीक है? तो हाँ ओके, तो अभी मैं मूँगफलियाँ निकाल के आती हूँ। मंदिर जाकर अभी जस्ट आई हूँ, तो अभी कर देती हूँ रूम में थोड़ी सी क्लीनिंग और फिर खाना वगैरह बनाना है, तो तब उसके ड्यूरिंग आपसे मिलते हैं। और काम थोड़ा ज़्यादा है आज, मैं थोड़ी जल्दी में भी हूँ और 2 दिन का सारा काम पेंडिंग है, इसलिए रूम में क्लीनिंग करनी थी पर हुई नहीं। ह्यू ने ना लिया है तो ह्यू के हम बना रहे हैं बाल, तो एक बार ह्यू के सारे गुच्छे हमने निकाल दिए क्योंकि इसके बाल कर लिए हैं तो इसको बहुत ज़्यादा गुच्छे हो जाते हैं ना बेटा। तो आज मैं बाल बेच रही हूँ तो बनवाने आती हूँ ताकि मेरे गुच्छे ही ना हो। हाँ मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। हाँ हर ब्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन कल मैं आई नहीं, पर मैं ना फिर नहीं आई थी। कल क्यों नहीं आई थी वो भी बता दे। क्योंकि मैं उदयपुर गई थी ना, और मैंने तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी देखे थे। किसी ने उठा के लग दिया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। फिर अंदर दर्शन किए? शेट अंदर नहीं, मतलब कोई सीढ़ी चढ़ के जाता है ना, तो वहाँ पे मेरे को है ना कुछ थोड़ा सा पीछे लग दिया। अच्छा ओके, इधर ला जा, पास में जा। ओ रुक रुक, साइड में बन गई मांग, इसलिए एक छोटी मोटी एक छोटी पतली बनी, वापिस बना दी। इधर ला। हाँ ये ह्यू की छोटी एक ही है। बन गई है, एक ही बनाई है आज, तो कैसी लग रही है? क्योंकि है ना देर लग जाती है ना, तो हाथ दुख जाए इसलिए। और कैसी लग रही है चोटी? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, लिपस्टिक लगानी है? ना ठीक है ओके चलो। हाँ। अब हम खाना वगैरह बनाते हैं, तेरा चकला बेलन ले, रोटी बनाएंगे अपन। हाँ ठीक है ठीक है, लेन जा रही है? हाँ। बोल के गई है बना मत देना, मैं आ रही हूँ ऐसे, तो ठीक है उसका वेट करेंगे अपन। अभी बना रही थी मैं खाना, और खाने में आज बना है वो भी दिखा देती हूँ। खाने में बना है दाल, सब्जी, चावल, और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। और रोटी जैसे ही बनती है वैसे हम बनाकर खाकर जाएंगे शॉप पर। और आज ट्यूटोरियल बनाने का मैं सोच रही हूँ, अब देखती हूँ आगे के काम मेरे पास कितने हैं क्या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड है। और ही आई थी रोटियाँ मैं बनाऊँगी यूँ करके, क्या पता कहाँ गायब होगी, उसको पता करके बुलाती हूँ, नहीं तो ये रोटियाँ बहुत भारी पड़ने वाली है इसलिए। तो एक बार मैं हिया को फ़ोन कर देती हूँ, फिर रोटियाँ बनानी चालू करती हूँ। और आप बने रहिए व्लॉग में। अभी आ गई है हिया, इसको बुलाया, ये कहीं चली गई थी। हाँ चली गई थी, मैं हिमालय का गर्ल। अच्छा पीछे बैठो, चलो रोटी बनाने के लिए। और अच्छे से पीछे बैठो। सॉरी गाइस, अभी हम रोटी बनाएंगे। मैंने छोटे से बेलन पे देखो, मैंने और व्लॉग में भी बताया था। हाँ कल ही आया है ना? हाँ कल ही आया। हाँ नहीं कल नहीं, वो परसों आया था। अच्छा पीछे किसे जाओ, चलो चलो अब हम रोटी बनाएंगे। पालती मार के पीछे किसको? तेरा और मेरा बेलन और चकला बता देते हैं। ये हिया का बेलन और चकला, ये मेरा बेलन और चकला, और दोनों बना रहे हम रोटी। लेकिन आप गोल कर दोगे मेरे चकले को, बेलन को? हाँ मैंने है ना रोटी गोल कर दोगे? हाँ।
वगैरह खाकर हो गई हूँ फ्री, और आज सोचा है कि आज मेकअप का ट्यूटोरियल बनाया जाए, और उसके लिए सारी पैकिंग हो गई है। वहाँ जाकर आपको सब एक एक चीज़ बताती हूँ, और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने दिनों के बाद मेरा मेकअप का ट्यूटोरियल बनने जा रहा है। सम रीज़न्स एक्सटेंड ही हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मेरी भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इसलिए मैं मेकअप की वीडियो बनाना नहीं हो पा रहा था। वॉच भूल जाती, वॉच ले लेती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं शॉप पर। चिकू आ गए हैं मुझे लेने के लिए, और अपना सामान है वो अपने ले लिया है। शॉप पर जाकर आपको कंप्लीट बताती हूँ एक एक चीज़, और कल आ जाएगा आपके पास इसका ट्यूटोरियल। पर अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि शॉप पे जाके क्या हाल है। न्यू लैपटॉप से और न्यू बैग से पहली बार बनेगा मेरा मेकअप का ट्यूटोरियल। अंदर का तो हालांकि पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अभी मैंने बहुत 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 खर्चे कर दिए मेरे यूट्यूब के लिए। कपड़े भी साथ साथ में धुल रहे थे, पर कपड़ों को स्टॉप कर दिया है। कपड़े रात को आकर धोएंगे। चुकू भी बहुत डांटते हैं, लेट हो जाती हूँ करके। अभी मैं हो चुकी हूँ कंप्लीट रेडी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनी नहीं है अभी तक, और मेरा सेटअप आप देख सकते हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो बन रही है। ये ज्योति इधर बैठी है और वो कर रही है मेरी वीडियो जो शूट होगी वो ध्यान में रख रही है। शूट हो भी रही है, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, फिर ऑडियंस को मज़ा कैसे आएगा। इसीलिए तो आप बैकग्राउंड देख सकते हो कुछ, हमेशा चिकू नया नया ट्राई करते हैं, और मैंने चिकू का टी शर्ट पहना है और उसी के जैसे सेम लेंसेज वेयर किए करे हैं। और ये मेकअप का ट्यूटोरियल दमदार आने वाला है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो मेरी गर्ल्स ऑडियंस है उनको, और जो बॉयस हैं ऑडियंस में, वो ये वाली वीडियो अपनी फ्रेंड को, बहन को, बीवी को, सबको बता सकते हैं ना। मज़ा आएगा उनको भी देखने में और ट्राई करने में। ये हमारा मेकअप, और अब इस मेकअप का पूरा हम करने वाले हैं साथ में लुक क्रिएट। कैसा लग रहा है मैं पूरा बता रही हूँ आपको, पर मेरी वीडियो भी आ जाएगी जल्दी, इसलिए पूरा देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सिर्फ इतना ही है। मेकअप हो गया, रिमूव भी हो गया, और अब ये हो रहा है फेस वॉश। और मेरी हालत देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ मैं। बालों में साथ में आज ऑयल भी करवा देती हूँ, क्योंकि बाल आज कल ही किए थे तो ऑयल भी हो जाएगा। दो दिन हो गए। एक मिनट पकड़ना कैमरा। मिशेल का जो फेस वॉश है वो हमको कैसे यूज़ करना है मैं बता देती हूँ। ये मिशेल का फेस वॉश है। फेस पूरा ड्राई है, हैंड क्लीन है एकदम, और ड्राई हैंड है। इसको लेना है और फेस पर अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि काफ़ी जनों को इसका कन्फ्यूजन है कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। नॉर्मली एंड जेंटली मसाज करना है, जब तक कि अपने फेस के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी लेके, पानी लिया वेट की हैंड, एंड देन ये स्ट्राइक से मसाज करनी हूँ। ये मेकअप रिमूव करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और फेस वॉश के लिए तो है ही अच्छा। आप देख सकते हो फेस कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, और इसके जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आ जाइए। फेस हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब इस फेस को कभी भी वॉश करने के लिए यानी मैं ओनली फॉर मिशेल का नाम नहीं लेती हूँ। अगर आपके फेस को अच्छे से पैम्पर करना चाहते हो, और आपके फेस पर एक्ने वगैरह नहीं चाहते हो, तो आपको आपके फेस के लिए फेस टॉवल अलग से रखना पड़ेगा। फेस टॉवल मेरा जो है वो घर पर पड़ा हुआ है, तो मैं अभी टिश्यू से मेरे फेस को अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। फेस क्लीन हमने अच्छे से कर लिया है, अब हम लगा देंगे फेस पर टोनर। और टोनर लगाना हैंड्स में ऐसे लेके, और फेस पर डायरेक्ट डैप डैप करना है, साथ में थोड़ा सा ऐसे थपथपाएं फेस पर, ताकि टोनर है जो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ इंटेंस डार्क स्पॉट रिमूवर, क्योंकि मेरे फेस पर थोड़े थोड़े एक्नेस के दाग रह गए, वो मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गया था इसलिए रह गए। ये बिल्कुल कम अमाउंट में लेना है, और अच्छे से फेस पर डार्क स्पॉट पर लगाना है। एंड फिर मैं लगाती हूँ हाइड्रेशन क्रीम, जो कि मिशेल की बहुत ज़्यादा अच्छी और मुझे बहुत अच्छे सूट होती है। ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में हमको यूज़ करने हैं, और SPF लूँगी थोड़ा सा, इतना सा सिर्फ, वो भी पूरे फेस पर ऐसे से करके लगा दूँगी। एंड वी आर रेडी टू ग्लो नॉट गो, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है हमारे फेस पर। आप देख सकते हो कैसा मेरा फेस शाइन कर रहा है, और रियली लगता है कि फेस को हमने खाना दिया है इसका,
क्योंकि फेस पर हम अगर अच्छा स्किन केयर नहीं करते तो हमारे स्किन की काफ़ी सारी हमको इश्यूज़ हो जाते हैं, ब्लैकहेड्स हो गए, डेड हो गए, टैनिंग हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें पीछे पीछे जुड़ी हुई रहती है। तो हमको हमारे फेस की केयर तो करनी ही चाहिए। और अभी मेरे को मेरा फेस का जो केयर है वो करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। लग रहा है स्ट्रेस्ड आउट हो गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। तो और अब इसी के साथ करवा रही हूँ मैं हेयर में ऑयलिंग। तो अभी मैं हेयर ऑयल लगभग 2 से 3 मंथ्स हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाला दिखा देती हूँ आपको, ये ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ गुड हेयर का, और ये मुझे काफ़ी अच्छे सूट हो गया है। मुझे हेयर फॉल का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था और मुझे डैंड्रफ का तो इतना ज़्यादा बड़ा इशू था ना कि वो क्योर ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी पर इस शैम्पू ने मुझे रियली काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट दिया है। और अभी मेरे बिल्कुल डैंड्रफ रिमूव हो चुकी है, हेयर फॉल बंद हो चुका है और मुझे मेरे हेयर्स हैं वो यानी काफ़ी हेवी भी लग रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन हो चुके थे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। आपको भी दिख रहा होगा बालों में वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया और बाल भी बहुत अच्छे हो गए और बालों की लेंथ भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। शुरुआत में मैं भी डिसअपॉइंट हुई थी पर कोई भी चीज़ सूट होते होते टाइम होता है, एकदम से कोई भी चीज़ सूट नहीं होती है। क्योंकि मैंने लगभग इसको 1 मंथ तक ट्राई किया, तब तक मुझे लगा हो रहा है नहीं हो रहा है, पर इसका रिज़ल्ट जो 2nd मंथ में आया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको खुद को दिख रहा होगा कितना अच्छा रिजल्ट है। तो अभी ये होगा ऑयलिंग मेरे हेयर्स पर और कल होंगे हेयर वॉश। और शैम्पू कंडीशनर भी मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो भी बालों को एकदम स्मूथ कर देता है। अभी हो रहा है ऑयलिंग टाइम। आज ट्यूटोरियल बनाया है तो वो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया ना क्योंकि आज शाम को वो आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, शाम को 5 बजे आ जाएगा। तो स्टे ट्यून, ध्यान रखना और जाके कंप्लीट ट्यूटोरियल ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। और इंस्टाग्राम पर जाके इसके फ़ोटोज़ भी ज़रूर देखना क्योंकि क्या फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं चिकू ने, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हुआ था। तो अभी हो रही है ऑयलिंग। तो अब तो मैंने मिशेल के प्रोडक्ट्स पे पूरा एक ट्यूटोरियल जैसा ही बना दिया तो अब कोई भी शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं इंस्टा पर या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो मैं किसी भी ब्लॉग में आपको बता दूंगी कि मिशेल के प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं। और अगर आपको बाय करने हैं तो आप शॉप करो से बाय कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। जो शॉप करो का नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज छोड़कर या फिर कॉल कर भी आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। ऑल ओवर आप इंडिया में कहीं भी हो या फिर फॉरेन में भी कहीं पर भी हो। ऑयलिंग हो गई है, बस अब घर जाने की तैयारी। और अब यहाँ पर पीछे कर रहे हैं सलून में तो मंगल और उसमें साड़ी और ये सब ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, मैं समेट देती हूँ। घर पर आ गई तो लेट हो गई काफ़ी इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, खाना वगैरह बनाने में बिजी हो गई थी। फूलगोभी की सब्ज़ी और रोटी, प्लेट में मैंने रोटी फिल नहीं करी है, अभी करूँगी इसलिए। और यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज मैंने बनाया ट्यूटोरियल। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। और गुड हेयर के और मिशेल के प्रोडक्ट किसी को भी बाय करने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं शॉप करो का नंबर भी दे दूंगी, व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। और आप जहाँ पर भी हो आपको हम आपका पार्सल भेज देंगे। और हाँ, वीडियो में बने रहिए 5 बजे तक क्योंकि 5 बजे आने वाला है मेरा न्यू ट्यूटोरियल और आपको देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो स्टे ट्यून। ओके बाय।